आज आपसे कुछ पूछना भी है, बताना भी है। आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहाँ साइंस का नाम बिल्कुल काम नहीं करता है? हवा का रुख एकदम उल्टी दिशा में है। मैं बात कर रहा हूँ पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जिसमें हिंदू धर्म में चार स्थल में से एक स्थल आता है, जिसमें महाराजाओं ने 17 हमले करवाए थे और इंदिरा गांधी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी एंट्री देने से मना कर दिया था। और ऐसे कुछ रहस्य वहाँ के जिसका अभी तक पता नहीं चला कि है क्या। तो शुरू करते वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में। तो पहला जो रहस्य है वो है कि आप देखते हो कोई भी मंदिर के जो ऊपर जो फ्लैग रहता है वो हवा के रूप में लहरता है, लेकिन यहाँ पर एकदम बिल्कुल उल्टा है, विपरीत हवा की विपरीत दिशा में फ्लैग लहरता है। और दूसरा, आपने देखे होंगे जो मंदिर जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ऊंचाई इमारतें, वहाँ पर पक्षी हमेशा पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन मंदिर के ना पक्षी उड़ सकता है, इसके ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं उड़ सकता है। और इसके आगे जो आप मंदिर के ऊपर देखोगे सुदर्शन चक्र जो कि कृष्णा भगवान का है, वो आप कहीं से भी देख लो आपको वो आपके तरफ ही मुंह दिखेगा। और मंदिर की सबसे बड़ी खासियत जो कि आप मंदिर की आपको परछाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और इसके बाद समुंदर मंदिर से कुछ 3 से 2 किलोमीटर दूरी है, समुंदर की आवाज़ मंदिर के बाहर आती है लेकिन मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। और यहाँ पर खाना बनाने का कुछ अलग तरीका है, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन रहते हैं, सबसे बड़ा नीचे, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि सबसे पहले खाना पकता है सबसे ऊपर वाले बर्तन पे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, सबसे लास्ट में पकता है सबसे नीचे वाले में। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार तो सबसे पकना चाहिए पहले नीचे वाले में, ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर कितने भी लोग आ जाए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, यहाँ खाना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। और रहस्य की बात ये है कि यहाँ पर शाम में पूरा खाना ख़त्म हो जाता है, कुछ वेस्ट भी नहीं होता है। कहता है जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़े थे तब उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ था। जब कृष्ण भगवान जी अपने सोमनाथ टेंपल पे विश्राम कर रहे थे तब एक जारा नाम का शिकारी ने उन पर तीर चला दिया था, उसको लगा था वहाँ पर हिरण है, और वो तीर लगा जाकर श्री कृष्ण भगवान के पैर में, उसी से श्री कृष्ण भगवान अपना शरीर को छोड़ देते। और यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भागवत में पहले ही लिख दी थी कि मेरी मृत्यु पैर के वजह से ही होगी। और कहा जाता है जो कृष्ण भगवान जी का दिल था वो आज भी है, हर 12 साल में मूर्ति बदलती है और वो जो दिल है वो नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। और जो ये प्रोसेस है करने की, जब ये दिल को दूसरी मूर्ति में डालते हैं तो कोई भी इंसान उसको देख नहीं सकता, अगर कोई इंसान ने उसे देख लिया तो तुरंत ही अपने शरीर को त्याग दे सकता है। पूरी सिटी में पूरी लाइट गोल कर दी जाती है, यहाँ की गवर्नमेंट करती है। और जब यहाँ पर जो दिल डालता है दूसरी मूर्ति में तो वो उनके भी आँख पर पट्टी बंधी रहती है। और अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर पुराने ज़माने के राजाओं महाराजाओं ने 17 बार हमले करवाए हैं लेकिन आज तक कुछ भी मंदिर को नहीं हुआ है। मैं आपको 17 के 17 बताता हूँ कौन ने कब किया था। इतने हमले होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने उस मंदिर को कुछ होने नहीं दिया है। और जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख मूर्तियाँ हैं, पहली जगन्नाथ भगवान की, दूसरी सुभद्रा जी की और चौथी श्री बलभद्रा जी की। बताया जाता है कि जगन्नाथ भगवान को अपने धाम से 104 साल दूर रहना पड़ा था इन अटैकों की वजह से। और यहाँ पर ऐसे कुछ रिपिटिशन है जो कि यहाँ पर बाहर लिखा भी है कि यहाँ पर हिंदू ही आ सकते हैं और कोई भी कास्ट के इधर मंदिर में अंदर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को भी अंदर आने नहीं दिया था क्योंकि वो एक हिंदू नहीं है। और इससे एक सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई दूसरा हमारी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ भी करके उसको बचाना है। और इसके ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।